इस राम मंदिर के आड़ में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि हजारों पिछड़ा वर्ग दलित वर्ग के घर को ध्वस्त कर दिया गया। जो राम के लाए हैं हम उन्हें लाएंगे। तो जब कंकन में राम है, हमारे मन में राम है, तो फिर कहां से राम को ला रहे हैं आप भाई? कहां राम चले गए थे अमेरिका? कि जो राम मंदिर न्यास ट्रस्ट बना था उसमें एक भी पिछड़ा समाज को जगह नहीं दी गई थी। प्राण प्रतिष्ठा हो जाने दो, राम राज आ जाएगा। छोड़ 15 वालों की, 85 के घर अंधेरा छा जाएगा। 85 उन्हें बहुजन नहीं मिलेगी फिर कभी। देश में बहुजनों को आजादी, किस्मत उनकी लिखी जा रही, निश्चित होगी बर्बादी। पिछड़ा विरोधी सरकार द्वारा महिला आरक्षण बिल पास किया गया। मैं पिछड़ा विरोधी इसलिए कहा कि उस महिला आरक्षण बिल में न ओबीसी के कहीं पे चर्चा है, न एससी का है, न एसटी का है। साथियों, वर्तमान में देख रहे हैं राम मंदिर, राम का प्राण प्रतिष्ठा का हमारे केंद्र की सरकार हमारे ही लोग को धर्मांतरता की ओर ढकेलते जा रहे हैं और बड़ा जोर शोर से प्रसार कर रहे हैं। एक नारा बहुत बुलंद हो रहा है, जो राम के लाए हैं हम उन्हें लाएंगे। इस राम मंदिर के आड़ में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि हजारों पिछड़ा वर्ग दलित वर्ग के घर को ध्वस्त कर दिया गया। हम लोग सुनते आए हैं कि सभी के मन में राम है, कनकन में राम है। तो जब कनकन में राम है, हमारे मन में राम है, तो फिर कहां से राम को ला रहे हैं आप भाई? कहां राम चले गए थे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया? 1990 में भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय वीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन को लागू किया था, तो यही राम वाले लोग कमंडल लेकर के पूरे देश में भ्रमण किए थे और मंडल के पीछे ढकेल करके कमंडल को आगे लाए हैं। और उसमें योगदान भी हम लोगों का है। जिस वर्ग के लिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, सरल यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, काशीराम जी पसीना बहाए संघर्ष कर रहे हैं, आज वही लोग, खासकर हम पिछड़े लोग, अपने बच्चे को भविष्य को न देखते हुए सिर्फ राम मग्न हो गए हैं। हम लोग को सोचना चाहिए कि जो राम मंदिर न्यास ट्रस्ट बना था उसमें एक भी पिछड़ा समाज को जगह नहीं दी गई थी। जबकि 1990 में जो कार सेवकों की हत्या हुई थी या मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, उसमें सबसे अधिक कुर्बानी अगर कोई दिया है तो ओबीसी वर्ग के लोग दिया है। मैं कुछ लिखा हूं, प्राण प्रतिष्ठा हो जाने दो, राम राज आ जाएगा। छोड़ 15 वालों की, 85 के घर अंधेरा छा जाएगा। 85 बने बहुजन, राम मंदिर बनेगा तो 15 का ही घर में उजाला रहेगा। नहीं मिलेगी फिर कभी। देश में बहुजनों को आजादी, किस्मत उनकी लिखी जा रही, निश्चित होगी बर्बादी। पुनः नारियल के जैसा इनका सर फोड़ा जाएगा। छोड़ 15 वालों को, 85 के घर में अंधेरा छा जाएगा। अभी छीना है आरक्षण, क्योंकि वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा और सर्वोच्च न्यायालय में जातिवादी न्याय बत्तीसों द्वारा जो विश्वविद्यालयों में ओबीसी को आरक्षण प्राप्त था उसको समाप्त कर दिया गया, जबकि नया 10% आरक्षण लागू हुआ है उसको लागू रखा गया है। पिछड़ा का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। अभी छीना है आरक्षण, केवल खिंची माथे पर रेखा है। शोषित कैसे सताए जाते हैं, ट्रेलर हम सब ने देखा है। शिक्षा दौलत रोटी अस्मत सब कुछ लूट जाएगा। छोड़ 15 को सिर्फ छोड़ 15 को सिर्फ 85 घर में अंधेरा छा जाएगा। अरे बहुजन बैठ जरा, तुमको तेरा भविष्य बताता हूँ। तेरे बच्चों संग क्या होगा उसकी तस्वीर दिखाता हूँ। जब राम राज के झंडे होंगे, जब राम राज के झंडे होंगे, दो ही विकल्प रह जाएंगे। या तो तुम्हें गुलामी करना होगा या तेरा सर काटे जाएंगे। गजब छलावा चल रहा देश में, इसका भी तुमको भान नहीं।
जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तेरा अस्तित्व मिट जाएगा, खत्म होगा संविधान तेरा, मनुस्मृति से देश चलाया जाएगा, छोड़कर 15 बालों की 85 के घर अंधेरा छाएगा। हाँ अभी आजादी बाकी है, क्योंकि बुद्ध फूले अम्बेडकर की अभी पढ़ाई बाकी है, साहू परियार ललई की अभी पढ़ाई बाकी है, जगदेव बिरसा गाडगे की अभी पढ़ाई बाकी है, रैदास कबीर सावित्री की अभी पढ़ाई बाकी है, भारती मंडल वर्मा की अभी पढ़ाई बाकी है, शोषकों के कुछ कर्म दृश्य है पर सब अत्यंत सूक्ष्म अदृश्य है, शोषण को समझने की अभी पढ़ाई बाकी है, अभी पढ़ाई बाकी है, इसलिए अभी लड़ाई बाकी है पूंजीवाद हटाने की। जब शोषित पीड़ित व्यक्ति निथिन जनों की व्यथा सामने आती है, तब पूछते हैं धड़कन दिल की क्या अभी आजादी बाकी है। जब शैतान अपने करतूतों की दिखाता भी झाती है, जब बात विज्ञान और संविधान की न्यायपालिका भी ठुकराती है, जब शोषित पीड़ित जनता को ही पुलिस भी हड़काती है, तब पूछती है दिल की धड़कन क्या अभी भी आजादी बाकी है। इसे तिरंगा अंगीकार नहीं, जिसे तिरंगा अंगीकार नहीं, संघ को अभी भी भगवा झंडा ही प्यारा, तिरंगा झंडा, जबकि हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। तो जिसे तिरंगा अंगीकार नहीं, जिसे समता स्वीकार नहीं, जिसे लोकतंत्र से प्यार नहीं, जिसे राष्ट्र की परवाह नहीं, जब बागडोर ले ले शासन की, तब पुष्टि धड़कन दिल की क्या अभी आजादी बाकी है। मैं क्योंकि समय का अभाव है और कुछ कहना चाह रहा था, मैं खास करके जितने भी माँ बहने हैं उपस्थित हैं, आप सब से अपील करता हूँ कि आज राष्ट्रमाता सावित्री भाई फुले, माँ फातिमा से अवंती भाई लोधी जी के सामने तस्वीर के सामने संकल्प ले कि कम से कम हम अपने स्तर से 10 महिलाओं को शिक्षित करेंगे। जब शिक्षित हमारी महिला हो जाएगी, शिक्षित समाज बनेगा, और जब शिक्षित समाज हो जाएगा तो इस धर्म के जो सौदागर है, जो झांसाराम है, अपने नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।